साहब छुपे होते हैं, आपने इतनी सारी बातें कही हैं, पर मैं एक बात मानता हूँ, इतिहास की जो बात है, इतिहास को झुठलाया तो नहीं जाना चाहिए। वो इतिहास का वो लोग अगर दुरुपयोग करते हैं, लेकिन इतिहास जो है उसको भुला करके कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे किसी ने कहा कि आप इतिहास पे अगर गोली चलाएंगे तो भविष्य तुम पे तोप पे से गोले बरस जाएगा, तो इतिहास को आप मिटा नहीं सकते। दूसरी बात, गांधी जी की बात याद बार बार आती है, तो कहते थे कि जब जब आतताई ताकतें आई और उनकी जीत हुई, जो अक्सर हुई, चाहे हिटलर हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, इंदिरा गांधी हों और नादेशाह वगैरह, और अतीत में चले जाइए, तो जब जब आतताई ताकतें आई हमेशा लगा कि उनकी जीत हुई, लेकिन इतिहास ने अंततः साबित किया कि उनकी हार हुई। ये डोम्बे कहा था, ये सच्चाई जो है ये तो है कि अंततः तो यही लोग हार जाते हैं, क्योंकि क्यों हार जाते हैं उसकी वजह ये है कि समाज जो है वो बड़ा होता है इन ताकतों से। लेकिन हम अभी सोचते हैं तात्कालिक तौर पे क्या किया जा सकता है, लोग क्या कर सकते हैं। आपने पूछा हम क्या करें, किसने कहा कि हम प्रोटेस्ट का क्या तरीका हो सकता है। अब इसका मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे कल लेटर टू द एडिटर की बात चल रही थी, कहीं आप चिट्ठी भी ले सकते हैं और विरोध कर सकते हैं जहाँ मौका मिले। मुझे मौका मिलता है, कोई चैनल बुलाता है, मैं अपनी बात कहता हूँ, नहीं होता मैं अपनी बड़ा जो है वो सोशल मीडिया के जरिए कहता हूँ, यहाँ भी अपनी बात कहता हूँ। और इसलिए लोग पहचाने जाते हैं कि समाज में उनको पता है कि ऐसे कुछ लोग जिंदा हैं जो बोलेंगे जरूर, और वो जो मौका मिलेगा वो कोई कहीं पर रास्ते बंद करते हैं, हमको कोई और रास्ता कहीं पर मिल जाता है, कुछ सुनने वाले, जैसे अभी आपने काम सुनेंगे तो सुनने वाले लोग आपको वहाँ मिल सकते हैं। पर इतिहास को झुठलाना एक तो मैं उचित नहीं मानता हूँ। वो अपने ढंग से इतिहास की व्याख्या करते हैं, हम कर सकते हैं अपने ढंग से। वो बार बार, जैसे एक बड़ा मुद्दा उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ छेड़ा हुआ है, आज से नहीं छेड़ा हुआ है, जब से इनका इस विचारधारा का जन्म हुआ है। अगर आप इस विचारधारा के और जो सहोदर हैं उनके लिए तरफ चले जाएँ, तो उनके यहाँ भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, तो उनके यहाँ और यहूदी और तमाम किस्म की इसी किस्म की बीमारियाँ मिलेंगी। तो इन्होंने उसी विचारधारा को यहाँ पे उस ढंग से पनपाया है, लेकिन मकसद उनका ये है कि उस मेजोरिटी को उसका विश्वास अर्जित किया जाए जो खंडित थी। वो कांग्रेस के साथ में भी थी, औरों के साथ में भी थी, अचानक उनको लग रहा है इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि असुरक्षित हैं, लोग फैल रहे हैं। और ये जो बात करते हैं कि मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए क्योंकि बाहर से आए थे, अब इस तरह की चीज़ों को आज जो इतिहास के सहारे भी किया जा सकता है, न कि उसको भुला के। जैसे कि ये बार बार कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए, एक इनका सरल सा तर्क है। ये तर्क तो आसानी से इसी बात से काटा जा सकता है कि जितने बौद्ध हैं, बुद्ध धर्म जो है वो भारत से गया, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे कंबोडिया हो, बर्मा हो, जापान हो, चीन हो, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि सारे बौद्ध लोगों को खदेड़ के वापस भारत भेज दिया जाए? अगर ये कभी आप नहीं सोचते कि उन लोगों का क्या हश्र होगा जिनका धर्म बौद्ध धर्म है, जो वहाँ पैदा हुए और वहाँ पनपे, तो आप उन मुसलमानों को जो यहाँ पैदा हुए यहाँ पनपे आप इन्हें खदेड़ दीजिए? पर तर्क का जवाब तर्क से ही हो सकता है, झगड़े से तो नहीं हो सकता। एक उदाहरण के तौर पर बात करें, दूसरी बात यह कि अखंड भारत का ये ड्रामा करते हैं, जहाँ वेद रचे गए वो जगह आज भारत में है ही नहीं। आप पाकिस्तान को मिलाने की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात नहीं करते, वहां तक नहीं जाए। पहले नक्शा बड़ा सा बना देते थे, अब तो ये है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तुरंत एक दुश्मन के रूप में प्रतीक उन्होंने गढ़ दिया है, प्रतीक है वो, और प्रतीक गढ़े जाते हैं। और आप कहीं भी कोई, जैसे मैं छोटा था तो कोई शौचालय जाता तो कहते थे पाकिस्तान गया, यानी पाकिस्तान को एक घृणा जो पाकिस्तान के प्रति पैदा थी। पाकिस्तान मेरा कई बार जाना हुआ है, मेरी पत्नी भी साथ में गई, मेरी किताब भी जो फोन जोड़ों पर मैंने लिखी है, तो पाकिस्तान जाकर के हमको तो कुछ कभी नहीं लगा कि कोई अटपटी चीज़ है। और जैसे हमारे यहाँ संकीर्ण कुछ वहाँ भी होंगे, पर आप यूँ जाएँ तो लगता है कि आपके प्रति उनके मन में तो बड़ा सम्मान है, वो आपसे दुश्मन ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी मानते हैं कि भाई हम पिछड़ गए लेकिन आप लोग चूँकि डेमोक्रेसी आपके यहाँ है। इन्होंने पाकिस्तान के नाम पर कुछ छिटपुट घटनाएँ जो यहाँ भी होती हैं वहाँ भी होती हैं, और एक जो है वो बड़ा सा मिथ खड़ा कर दिया ताकि दुश्मन के रूप में चीज रची जाए। मेरा कहना यह है कि इन्हीं के हथियारों से, लेकिन अपनी दलीलों से उनसे लड़ा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास लड़ने का तरीका तो विचार है,
अपनी समझ, अपनी बुद्धिजीवी जो भी ताकत है बुद्धिजीवियों की, वो अपनी बात लड़के, ये ठीक है कि इनके पास में खून खराबा भी है जो कि हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, उससे तो कभी भी कोई हिंसा से तो कोई भी चीज़ जो है वो हासिल नहीं हो सकती है। इस मामले में तो मैं बिल्कुल गांधी जी के विचार को मानता हूँ, लेकिन इनके पास, इनको लगता है कि हो सकती है, इसलिए वो चीज़ भी आजमाते रह सकते हैं। लेकिन हम अपनी बात जहाँ भी जिस भी मंच से, और लेटर टू द एडिटर से मैं मानता हूँ कि अगर कह दी जाए एक्शन का तरीका है तो ठीक है, मतलब कह बोलना चाहिए। वो जो फैज़ की पंक्ति है ना, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की जुबान अब तक तेरी है, तो वो सचमुच है कि लोग बोलें। और यहाँ 50 लोग इकट्ठा होकर अगर बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं मैं मानता हूँ वो भी बोल रहे हैं क्योंकि वो यहाँ आए हैं।